मेरा लक अच्छा रहे, इस वीडियो को ज्यादा लाइक मिलने चाहिए। ओ थैंक्स खूबसूरत छोकरी, गुड लक के लिए। क्या आप लकी अनलकी होने पर यकीन करते हो? अगर नहीं करते तो वीडियो खत्म होने के बाद यकीन करने लगोगे। कुछ ऐसे लोग जो उन हादसों से बच गए जिनसे आमतौर पर जल्दी कोई बच नहीं पाता। इंटरनेट भरा पड़ा है बुरी तरह से गिरने वाले स्केटिंग वीडियोस से, लाइक दिस। लेकिन क्या रोड पर स्केटिंग करना अच्छी बात है? नहीं, पर बहुत लोग इसे अच्छा समझते हैं। जैसे इन भाई साहब को ही देख लो, लड़का बहुत ज्यादा लकी था, बाल बाल बचा वरना तो अनर्थ हो जाता। इसका चेहरा स्क्रैच और बॉडी बोल्ट हो जाती। ऐसे हादसे अक्सर होते हैं एक स्केटर के साथ, खासकर रोड पर। देखा, बाल बाल बचा वरना तशरीफ टूट जाती। ओह, गिरने के बाद मजे ले रहा है, सही है बॉस। स्केटबोर्ड तो खतरनाक है ही, लेकिन बाइसाइकिल वो भी कुछ कम नहीं। आम बच्चे साइकिल के आगे पीछे के टायर को उठाकर अपने आप को स्टंट मैन कहते हैं, लेकिन असलियत में स्टंट मैन कई महीनों की प्रैक्टिस करने के बाद स्टंट करते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्टंट होते ही इतने खतरनाक हैं। कुछ बुरी तरह गिरकर घायल हो जाते हैं और कुछ जरा सी टक्कर से टपक जाते हैं और कुछ बाल बाल बचते हैं, जिन्हें हम लकी पीपल कहते हैं। तालियां बजाओ भाई, तालियां। वाह, क्या कमाल किया है, क्या बचा है, वरना अब तक तो अनर्थ हो जाता। रेलवे फाटक के दोनों तरफ बैरियर्स लगे होते हैं। क्या होगा अगर आप गलती से काली अंधेरी रात में अपनी कार बैरियर के अंदर यानी कि रेलवे ट्रैक के बीच में स्टॉप की हो और आपके राइट साइड से ट्रेन आ रही हो? अब ट्रेन तुरंत स्टॉप तो हो नहीं सकती, उस टाइम पर आप क्या करोगे? अरे भाग भाग, यहाँ से कार दूसरी आ जाएगी, चलो निकलो यहाँ से। कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपको इस वीडियो क्लिप में देखने को मिलेगी। ऐसी अकेली क्लिप नहीं है हमारे पास जिसमें लोग जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के चक्कर में बचे हों, और कुछ तो चल बसे जिनका कोई जवाब नहीं। ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग। अरे थोड़ा रुको, ऊपर नीचे देखो, आजू बाजू देखो, सामने भी देखो, अरे क्या कर रहे हो? मरोगे तुम लोग, पक्का मरोगे। सर ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। कंपनी में काम करने वाले लोग बहुत रिस्क उठाते हैं, उनकी मेहनत पसीना बनकर टपकती रहती है। कुछ लोग जल्दबाजी में अपने अनलकी होने का सबूत देते हैं और कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जो शांति से एक जगह खड़े होकर लकी होने का सबूत देते हैं। जैसे इस वीडियो क्लिप को ही देख लो। देखा, इसके तो बाल बाल बच गए वरना अनर्थ हो जाता। चलिए अब स्पेशल लोग से मिलते हैं। ये हैं फ्रांस सेलेक। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, फ्रांस सेलेक सबसे अनलकी और लकीएस्ट पीपल में से एक हैं। जैसी आपकी सोच हो। ये लगभग 7 हादसों से बच चुके हैं जिनमें प्लेन क्रैश भी शामिल है। पहली बार 1962 में फ्रांस सेलेक एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई और सामने पानी में जा गिरी। बहुत सारे पैसेंजर मारे गए लेकिन फ्रांस सेलेक बच गए, बस उनको थोड़ी सी चोट आई। दूसरी बार 1963 में फ्रांस सेलेक की माँ बीमार थी, उन्हें जल्दी से प्लेन पकड़कर जैग्रेब से रिजिका जाना था, लेकिन प्लेन पहले से ही फुल हो चुका था। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो लोग मान गए, अच्छा चलो तुम्हें किसी कोने में बिठा देंगे। प्लेन सही सलामत उड़ गया, सेलेक प्लेन में पहली बार बैठे थे और इस बात से वो खुश भी हो रहे थे। फिर एक दुर्घटना हुई, हवा में अचानक प्लेन का इंजन बंद हो गया, कैबिन का प्रेशर घटने लगा और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। स्टॉप, आप सोचे कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। अचानक प्लेन के पीछे का दरवाजा उड़ गया और उसके बाद फ्रैंक सेलेक भी उड़ गए बिना पैराशूट। प्लेन आगे जाकर क्रैश हो गया जिसमें 19 लोग मर गए। ये एक छोटा प्लेन था और फ्रैंक सेलेक घूमते घूमते एक पोरे के ढेर पर आकर गिर गए और जिंदा बच गए। हद है यार। तीसरी बार, इस बार सेलेक बस में ट्रैवल कर रहे थे, बस एक पुल पर पहुंची और अचानक उसका नियंत्रण बिगड़ गया, बस बैरियर को तोड़कर पानी में जा गिरी। 4 लोग मर गए लेकिन सेलेक फिर भी बच गए। चौथी बार 1970 में सेलेक कार ड्राइव कर रहे थे, अचानक कार के इंजन में आग लग गई, सेलेक तुरंत कार से कूद गए उसके एक्सप्लोड होने से पहले और बच गए जिंदा। पांचवी बार 1973 में सेलेक एक दूसरी कार में ड्राइव कर रहे थे, अचानक कार में फिर से आग लग गई, पर इस बार वो कूदे नहीं लेकिन फिर भी बच गए जिंदा। छठी बार 1996 में इन्हें एक बस ने ठोक दिया, बंदा फिर भी बच गया, लोहे का है क्या, क्या मजाक लगा रखा। सातवी बार सेलेक एक माउंटेन रोड पर ट्रैवल कर रहे थे, अचानक एक मोड़ पर एक ट्रक आ गया, फिर उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया, फिर उनकी कार 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी। अब तो सेलेक का ऑमलेट बन चुका होगा, इसके बचने को कोई चांस नहीं, खलास। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है।
जब कार माउंटेन से नीचे आ रही थी तो उन्होंने कार की खिड़की से जंप लगा दी और पेड़ को पकड़ लिया। लटक गए यानी कि बच गए जिंदा। चेहरा तो देखो बंदे का। इन सबको मिलाकर सेलक 7 बार मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल गए। अब आप इसे लकी बोलो या अनलकी, क्योंकि ये जहां जाते थे हादसे वहीं होते थे। मैं तो इन्हें लकी ही बोलूंगा क्योंकि इन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा और इनकी लॉटरी लग गई। सन 2003 में फ्रांस अलग 72 साल के हो गए। फिर उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा और उनकी लॉटरी लग गई, पूरे $1 million से भी ज्यादा की लॉटरी। भैया ये तो अमीर हो गए यार। अब तो आप बोलोगे ना ये लकी है भैया। ये 7 दुर्घटनाओं से बच चुके हैं, $1 million की लॉटरी भी जीत चुके हैं, ये 6 शादियां भी कर चुके हैं, लाइफ एंजॉय भी कर चुके हैं। कमाल है भाई, ऐसे भी लोग हैं। अगले इंसान के बारे में सुनिए, सुतोमो यामागुची, ये उसका नाम है। ये इंसान 2 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को झेल चुका है फिर भी सरवाइव कर गया। मैं बात कर रहा हूँ हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब्स की। 6 अगस्त 1945 को सुतोमो यामागुची हिरोशिमा में थे एक बिजनेस ट्रिप पर। उसी टाइम पर एक अमेरिकन प्लेन ने बॉम्ब को ड्रॉप किया हिरोशिमा पर। उस भयानक मंजर को सुतोमो यामागुची ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये निशाने से 3 किलोमीटर दूर थे, फिर भी बॉम्ब से निकली शॉक वेव्स ने इन्हें जबरदस्त हिट किया। इनकी स्किन जल गई और ये पीछे खेतों में जा गिरे। थोड़े देर के लिए इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ घंटों बाद वो जैसे तैसे करके 180 मील दूर अपने होम टाउन नागासाकी की तरफ वापस लौटने लगे और 8 अगस्त को नागासाकी के एक हॉस्पिटल में पहुंचे अपनी जली हुई स्किन का ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट पूरे होने के बाद वो अपने ऑफिस में चले गए। वो वहां बैठकर बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें सामने की खिड़की में एक और बड़ा मशरूम क्लाउड नजर आया। ये एक्सप्लोजन नागासाकी पर हुआ था। 3 दिनों के अंदर सुतोमो यामागुची 2 बार जानलेवा रेडिएशन के चपेट में आ गए थे, तब भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। हालांकि इनकी हालत खराब हो गई थी, इनके बाल झड़ने लगे और कुछ घाव तो सड़ने लगे थे। कुछ महीनों तक इनकी हालत खराब रही, फिर बाद में ये उतने ही तेजी से ठीक होने लगे। हालांकि बॉम्ब के इतने नजदीक होने के बाद उन्हें रेडिएशन की वजह से जल्द ही कैंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लकी थे, उन्हें कई सालों बाद कैंसर हुआ। इनकी मौत पेट कैंसर की वजह से हुई सन 2010 में। सुतोमो यामागुची 90 साल तक जिंदा रहे। कमाल की बात है ना, बहुत कमाल की बात है। अगर मैं लकी हूं तो आप इस वीडियो को देखते देखते लास्ट तक पहुंच गए हैं। अगर पहुंच गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और आपके आसपास आपकी नजर में कौन सबसे लकी पीपल है मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, मैं पढ़ूंगा। ओके बाय, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।